पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम कुमार से पूछताछ होगी। आर्थिक अपराध इकाई यानी IOU से तलब कराने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि IOU प्रीतम से पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाएगी और वहीं पूछताछ करेगी। दरअसल पेपर लीक के किंग पिन सिकंदर कुमार यादवेंदु से प्रीतम कुमार के डायरेक्ट कनेक्शन के कई तथ्य सामने आए हैं। नीट पेपर लीक होने के बाद सिकंदर यादवेंदु के लिए सरकारी गेस्ट हाउस बुक कराने से लेकर उसकी पोस्टिंग तक में प्रीतम कुमार की भूमिका सामने आ रही है, लिहाजा IOU से तलब कर पूछताछ कराने की तैयारी में है। पेपर लीक मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी कई तथ्य सामने रखते हुए सिकंदर के लालू से भी डायरेक्ट कनेक्शन की बात कही है। नीट परीक्षा मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। उनके PS रूम बुक कराते हैं और अनुराग यादव को ठहराते हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 1 मई को तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस कर्मी प्रदीप कुमार को फोन कर सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक करने को कहा था। दरअसल प्रीतम और नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यादवेंदु आपस में रिश्तेदार हैं। यादवेंदु ने कमरा बुक करवाने में प्रीतम से मदद मांगी थी। यादवेंदु ने इस गेस्ट हाउस में अपने भतीजे अनुराग यादव समेत 3 अन्य परीक्षार्थियों को ठहराया था। गेस्ट हाउस की बुकिंग के कच्चे बिल और रजिस्टर में एंट्री मिली है। ये गेस्ट हाउस पटना चिड़ियाघर और पटना हाईवे अड्डे के पास स्थित है और NHI के गुलजार बाग डिवीजन का है। गेस्ट हाउस के बिल बुक में एक मंत्री जी का उल्लेख किया गया है। परीक्षार्थी अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री लिखा हुआ था। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें इसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। डिप्टी CM विजय सिन्हा ने परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि NHAI का ये गेस्ट हाउस केंद्र सरकार से संबंध नहीं है, ये राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग का इंस्पेक्शन बंगला है। राज्य के पक्ष निर्माण विभाग द्वारा NH के निरीक्षण से जुड़े अधिकारियों और अन्य सुविधाओं को लेकर इस तरह के गेस्ट हाउस का निर्माण जगह जगह पर किया गया है।